नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनसनी ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। अंधविश्वास उस दलदल की तरह होता है, इसमें से जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही दस्ते चले जाते हैं। मैं विजय कुमार दिवाकर आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अंधविश्वास की एक ऐसी घटना जिसे देखकर शायद आप अंधविश्वास करना छोड़ देंगे। आज का मनुष्य लालच और स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। यही कारण है कि ऐसी हालातों का फायदा उठाते हैं कई ढोंगी तांत्रिक बाबा। तांत्रिक लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण ही नहीं कर रहे, बल्कि बेखौफ होकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली हरकतों को भी अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हमारे देश में लोग तंत्र मंत्र के जाल में इस कदर उलझे हुए हैं कि जब भी किसी को गंभीर बीमारी, घर में पैसों की कमी, तरक्की के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता तो लोग बाबा, मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक की शरण में चले जाते हैं। वो तरह तरह के तमाम टोने टोटके करने की सलाह देते हैं। इत्तेफाक से जब वो कामयाब हो जाते हैं तो टोना करने वाला इंसान पीड़ित के लिए भगवान से कम नहीं होता। आज हर देश के कोने कोने में अंधविश्वास का जाल पेड़ की टहनी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ढोंगी तांत्रिक अपने माया जाल को फैलाने के लिए प्रचार का रास्ता अपनाते हैं और एक बार फिर तांत्रिकों के ठग का मामला सामने आया है। जी हाँ, राजेंद्र नगर के पौश इलाके में तंत्र मंत्र का जाल फैलाकर ठगी करने वाले ऐसे तीन युवक सुरेश, रोहित और करण तीनों तांत्रिक के भेष में रहते थे। दरअसल तीनों ढोंगी विज्ञापन के जरिए अपना तंत्र मंत्र और टोने टोटके का धंधा चलाते थे और फिर विज्ञापन देखकर जैसे ही कोई उन्हें फोन करता है तो वो उसके घर जाते और उसे इस कदर डराते हैं कि बाद में वो जैसा भी कहते हैं वो परिवार वैसा ही करने को राजी हो जाता है। डर को बरकरार रखने के लिए तांत्रिक दिखावे के लिए पूजा और हवन करने का ढूंढी रस्ते पर पूजा और हवन के नाम पर लाखों रुपए की मांग करते और देने के लिए लोगों के पास नकदी ना होने पर खेत और मकान तक बिकवा देते। इतना ही नहीं, पूजा के लिए जेवर जरूरी बताकर 30-35 तोले जेवर मंगवाते। ये तीनों लोगों के अंदर इस कदर डर पैदा कर देते कि लोग अपने रिश्तेदारों से तक पैसे या जेवर मांग कर ले आते। ठगों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें घर के सारे जेवर लाने को कहकर ये लालच देते थे कि जितने भी जेवर लाओगे वो पूजा पाठ करने के दूसरे दिन डबल होकर मिलेगा, लेकिन बदले में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आपको बता दें कि इन तीनों ने बेहद प्लानिंग के साथ लोगों को जाल में फंसाया। दरअसल रायपुर की पौश कॉलोनी में पहले तो इन्होंने मकान किराए पर लिया और इसके बाद 8 महीने तक तंत्र के नाम पर लोगों को फंसाते रहे। ये तीनों ढोंगी किसी को 1 महीने के बाद समस्या दूर होने का वादा करते तो कभी किसी का 2 महीने में
और इतना ही नहीं, उनकी मियाद पूरी होने के पहले ही पूरा सामान समेट कर वहां से वो फरार हो जाते। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ ₹5 में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे। मकान के ऊपरी कमरे में हवन कुंड बनाया हुआ था, वहीं कमरे के अंदर जगह जगह पूजा पाठ का सामान भी फैला रखा था। हवन कुंड कमरे के बीचों बीच बना हुआ था। पूजा के दौरान भी ये मंत्रों का उच्चारण इस तरह करते थे कि लोगों की आस्था तांत्रिकों के ऊपर और बढ़ जाती और वो इन ढोंगियों पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते और लोगों को इन पर आसानी से भरोसा हो जाता और इसी धोखे का शिकार हुआ धमतरी का रहने वाला एक परिवार। समस्याएं सभी के जीवनों में आती हैं। कुछ लोग समस्याओं से लड़कर जीत जाते हैं और कुछ लोग लेते हैं अंधविश्वास का सहारा। कुमार ने भी अपनी समस्या से निपटने के लिए लिया था अंधविश्वास का सहारा। कुमार की अपनी समस्या तो दूर नहीं हुई, लेकिन अंधविश्वास की आड़ में कुमार के साथ हुई एक बड़ी भयानक वारदात। जी हाँ, धमतरी का कारोबारी पी कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। दरअसल कुमार की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टरों के इलाज का कोई असर नहीं हो पा रहा था और तभी कुमार की नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। कुमार को लगा शायद इसमें से उनकी परेशानियों का समाधान निकल जाएगा। कुमार की पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कुमार ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर तंत्र मंत्र का सहारा लिया और कुछ तांत्रिकों को अपने घर पे बुलाया। तांत्रिकों ने उसकी पत्नी की तबीयत को ठीक करने के बहाने दिया बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम। विज्ञापन देखकर विज्ञापन पर दिए हुए नंबर पर कुमार ने कॉल किया। फोन उन्हीं में से एक जालसाज ने उठाया। कुमार ने फोन पर अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया, जिसके बाद कुमार के घर का पता पूछा गया। पता बताने पर अगले दिन ही तीनों बाबाओं की वेशभूषा में तैयार होकर कुमार के घर पहुंच गए। घर को देखते ही उन्होंने सबको डराना शुरू कर दिया। सर्वनाश का डर दिखाकर पूजा पाठ करने का सुझाव दिया और इस पूजा पाठ के लिए ₹30,000 तक का खर्चा बताया और अपने बताए हुए पते पर बुलाया। कारोबारी कुमार पैसे लेकर ठिकाने पर पहुंचा, जहां एक बंद कमरे पर पूजा हवन कराई गई। हवन हो जाने के बाद कुमार को घर भेज दिया। ये ठगी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ।
बाद फोन करके तीनों ढोंगी यानी रोहित, सुरेश और करण कुमार के घर पहुंच गए। कुमार की पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए कुमार की पत्नी को ठीक करने के लिए एक बड़ी पूजा पाठ करवाने की बात कही। घर में कुलदेवी का प्रकोप है, पूजा करके उन्हें शांत कराना होगा। ये कहकर तीनों ने परिवार को पूरी तरह से डरा दिया और अपने ऊपर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। तीनों बाबाओं ने पूजा पाठ का खर्चा 1,00,000 रुपए बताया और इतना ही नहीं, पूजा में 40 तोला सोना लाने को कहा, लेकिन कुमार के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने तांत्रिकों को इस बारे में बताया तो उन तीनों तांत्रिकों ने कारोबारी कुमार को अपने खेत बेचने तक के लिए कह दिया और तांत्रिकों के कहने पर कुमार ने खेत 3,00,000 रुपए में बेच दिया और अपने सभी रिश्तेदारों से 35 तोला सोना इकट्ठा कर लिया और तांत्रिक के घर बजाज कॉलोनी जा पहुंचा, जहां पर 5 दिनों की पूजा रखी गई थी। पत्नी की बीमारी से परेशान था, वो उसे किसी भी हालत में ठीक करना चाहता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से कुमार अंधविश्वास के जाल में फंसता ही जा रहा था। उसे उस वक्त ना ही कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। 4 से 5 दिन तक की पूजा पाठ बताकर कुमार से भारी रकम की मांग की गई। हवन भी कुमार को बिठाकर की गई, जो कि रकम और सोना कुमार लेकर आया था वो सारा कुछ एक पेटी में डालने को कहा गया और कुमार ने वैसा ही किया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। कुमार की पत्नी को ठीक करने के बहाने उन तांत्रिकों ने कुमार के घर में 4-5 दिन तक हवन किया। कुमार की पत्नी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उस हवन की आड़ में वो तांत्रिक कुमार के घर से ले भागे सारा कीमती सामान। पूजा पाठ खत्म होने के आखिरी दिन में तांत्रिकों को जाने से पहले चाय पीने को दी गई।
और फिर उसी दौरान परिवार वालों की आंख लग गई। जाते जाते तीनों तांत्रिक कुमार को एक पेटी पकड़ा गए और उसे कहा कि इसे अगले दिन खोलकर देखें। अगले ही दिन जैसे ही पेटी खोली तो घर के हर एक सदस्य के होश उड़ गए। पेटी के अंदर कुछ नहीं, पेटी के अंदर और कुछ नहीं बल्कि कंकड़ और पत्थर ही थे। ये देखते ही कुमार की पत्नी बेहोश हो गई। और उनकी बहन को इतना गहरा सदमा लगा कि वो कोमा में चली गई। कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका था। उसने तो ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। इतनी बड़ी बर्बादी से पूरा परिवार सन्न रह गया। कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। कहां से वो उधार लिया हुआ सोना लौटा आएगा? उसने जैसे तैसे पुलिस को इस बात की सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस काफी समय से इन ढोंगियों की तलाश में थी लेकिन इनका पकड़ा जाना आसान नहीं हो पा रहा था, जबकि इससे पहले भी कई बार इन ढोंगियों के खिलाफ कई शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी तक केवल 3 लोग ही इसमें सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी और भी लोग सामने आ सकते हैं। मकान मालिक का भी कहना है कि उन ठगों के दरबार में रोज कई लोग आते थे। खैर, इनका भांडाफोड़ होने से ये भी माना जा रहा है कि शायद और भी पीड़ित सामने आएंगे। पुलिस आसपास के शहरों में भी उनके बारे में छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच को जांच के लिए मामला सौंप दिया गया है। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली बात है कि आज भी इस मॉडर्न सोसाइटी में भी इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तंत्र मंत्र में लोगों का विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि वो अपने दम पर नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और ढोंगियों के ढकोसलों के भरोसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरत है कि आप अपने दम पर कामयाबी या समस्या का समाधान ढूंढ निकालें, ना कि किसी फरेब का शिकार हो। दोस्तों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साधु बाबा, इन सभी पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अपनी समस्या काम लें, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। कुमार अगर अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ता और अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराता तो उसके साथ आज ये वारदात नहीं होती। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621।
पूर्वी दिल्ली के मदर डेयरी चौराहे पर डीटीसी बस ने पैदल सड़क पार कर रहे एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जेब्रा क्रॉसिंग पर विधायक का बड़ा बोर्ड लगाने से रास्ता हुआ बंद। डीटीसी अधिकारी ने मृतक युवक को गलत तरह से सड़क पार करने का आरोप लगाया है। जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं राहगीर। लोग मौत से खेल कर करते हैं सड़क पार। डीटीसी कर्मचारी का कहना है कि काम के प्रेशर के कारण होते हैं हादसे। दिल्ली में यातायात सुविधा को सुधारने का सरकार तमाम दावा करती है, लेकिन सड़क पर लगे बड़े बोर्ड और होर्डिंग कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के मदर डेयरी चौराहे पर विधायक के लगे बड़े बोर्ड ने जेब्रा क्रॉसिंग को पूरी तरह ढक लिया है, जिसके कारण यहां लोग गलत तरह से सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। राहगीरों का कहना है कि बोर्ड के कारण रास्ता पूरी तरह बंद है, जिस वजह से लोग सड़क गलत तरीके से पार करते हैं, जिस कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। एक बार बताओ, दिल्ली सरकार क्या करती है? ये हादसे जो आपको दिख रहे हैं, ये रोज चल रहे हैं, आम चल रहे हैं, इन जैसे पता नहीं कितने बंदे मर रहे हैं रोज इस दिल्ली के अंदर। क्या घटना ये हुई है कि सामने क्रॉस करता हुआ अंदर मर गया। यहाँ पे सर पैदल जा रहा था, डीटीसी वाला टर्न कर रहा था, यहाँ से घूम रहा था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, पैदल जा रहा था। जेब्रा क्रॉसिंग बना तो है सर, लेकिन यहाँ पे तो बैरिकेटिंग लगी हुई है एमसीडी की, तो कहाँ से निकलेगा बंदा? बोर्ड लगा रखा है और इधर एमसीडी का ये पेड़ और क्या नाम है जाली लगी हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग से निकलेगा कैसे बंदा? देर रात एक डीटीसी बस जो कि मेहरोली से आनंद विहार की ओर जा रही थी, इसी चौराहे पर एक युवक को कुचल दिया। चश्मदीदों की माने तो उनका कहना है कि युवक पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी डीटीसी बस ने युवक को टक्कर मार दी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक को पास के लाल बहादुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस युवक की पहचान में जुटी है। बस से वो गलत तरीके से जो आदमी था वो जेब्रा वहां पर है पहले चलने का, लेकिन वो गाड़ी इधर से आ रही थी, ड्राइवर को पीछे का दिख रहा है, इस साइड से नहीं दिख रहा था, और वो गलत रॉन्ग साइड से आ रहा था और वो यहाँ करके एकदम टकरा गया। पैदल का रास्ता जेब्रा जो लाइट होती है उससे वो जाना चाहिए था, लेकिन वो रॉन्ग साइड गलत तरीके से आ रहा था जो है। वहीं मौके पर पहुंचे डीटीसी अधिकारी का कहना है कि युवक गलत तरह से सड़क पार कर रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। वहीं डीटीसी कर्मचारी का ये भी कहना था कि ड्राइवर के ऊपर काफी प्रेशर रहता है, जिस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। कल ड्राइवरों पे जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है, हैवी वाहन चलाने बड़े मुश्किल हो गए हैं दिल्ली में, और ड्यूटी का दबाव बना रहता है। ड्यूटी के दबाव में ड्राइवर क्या होता है कि थोड़ी सी जब दबाव होगा, ड्यूटी का दबाव होगा तो हादसे तो होंगे जी। वही देखना होगा कि जिस तरह से नेताओं और प्राइवेट कंपनी के बोर्ड से जेब्रा क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद कर लिया गया है और लोग गलत तरह से सड़क पार करने को मजबूर है और अपने जान गंवा रहे हैं, तो क्या सरकार अपने ही बोर्ड को हटवाती है या फिर ऐसे ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। देश में रिश्वतखोरी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। भ्रष्टाचारी को लोगों ने जैसे गले लगा लिया है। लगातार बढ़ रही रिश्वतखोरी अब और भी बढ़ने लगी है। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां बिना रिश्वत लिए कोई काम पूरा कर दिया जाता हो। सरकारी कामों के लिए अपनी पेंशन लेने तक के लिए लोगों से रिश्वत ली जाती है और अगर उनकी मांग पूरी ना की जाए तो यूं समझ लीजिए उन कामों को पीछे कर दिया जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला करनाल से सामने आया है, जहाँ एक युवक अपनी पेंशन के लिए चक्कर लगाता रहा, लेकिन बिना रिश्वत के इन रिश्वतखोरों ने उनकी एक ना सुनी। सिंचाई विभाग में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन कृष्ण कुमार, जिन्हें अपने हक के लिए भी रिश्वतखोरों का सामना करना पड़ा है। कृष्ण कुमार, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली पेंशन को उसने कार्यालय में ही किया था। कृष्ण कुमार, जो कि सोनीपत जिले के किलाना गांव का रहने वाला है, गौरतलब है कि उसने पेंशन की फाइल को क्लियर करने की एवज में विभाग के ही सहायक विजेंद्र कुमार और क्लर्क ओम प्रकाश नाम के अधिकारियों ने उनसे 25,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे, लेकिन कृष्ण ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी। आखिर अपने हक के पैसों के लिए भला रिश्वत क्यों? और कृष्ण ने हार नहीं मानी और इस बात की शिकायत करना जरूरी समझा। रिश्वतखोरी कर्मचारियों की शिकायत सोनीपत में विजिलेंस के अधिकारियों को कृष्ण ने की और फिर शिकायत के आधार पर विजिलेंस के इंस्पेक्टर राजीव कुमार और उनकी टीम ने जाल बिछाते हुए आरोपियों को रंगे हाथों काबू में कर लिया। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद करते हुए विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। कई घंटों तक पूछताछ के बाद अगले ही दिन दोनों को अदालत भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया है। मेरा नाम कृष्ण है जी, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, बीबीएमबी में दिल्ली निराला नौकरी करता हूं। मेरा जी पेंशन का केस था और 31/12/2015 को मैंने रिटायर होना था और मैंने अपनी फाइल जो है जुलाई चालू करवा दी थी। उन्हें 3-4 बिजनेस है, कभी कुछ लिख दें, कभी कुछ लिख दें, कभी 50,000 मांग ले, कभी 25,000 मांग ले, मतलब हफ्ता एक रह गया सर्विस के, मतलब कभी उधर कुछ कुछ लिख दे रहे। मतलब मैंने परेशान हो गया, इंस्पेक्टर साहब से बात करी, बिल्कुल टेंशन हो गई दिमाग में। फिर ये मतलब मौके पर है ना, इन्होंने मतलब मेरे तक कह दिया 25,000 रुपये लिए ये और सर्विस बुक चली तैयार है, तो इन्होंने मतलब आने के ना बार ने और 25,000 रुपये मेरे से ले लिए। 25,000 रुपये लेकर ना फिर ये मौके के ऊपर पकड़े गए रंगे हाथ। गौर करने वाली बात तो यह है कि क्या इसी तरह से अपने हक के लिए भी लोगों को सरकार के रिश्वतखोरों अधिकारियों का सामना करना पड़ेगा? क्या कभी बिना रिश्वतखोरी के कोई काम हो सकता है? ये आज की तारीख में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हां दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपके आसपास हो रही कोई वारदात या अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।